मेरा नाम फरहान है और मैं एक छोटी सी रेंटल कंपनी मीडिया डॉट रेड ओन करता हूँ। और ये गाड़ी है मेरे पास मैरान 92 का मॉडल है, और 92 का सुना है काफ़ी कामयाब मॉडल है, वही मॉडल है ये। और उसके साथ साथ इसकी ये क्वालिटी है कि ये 800 सीसी है, जैनवन तो नहीं है, काफ़ी दफ़ा बन चुकी है, बनती रहती है, मैरान गाड़ी टूटती फूटती रहती है और बनती भी रहती है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं, डेलाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। ये मैंने तकरीबन कोई 160-165 की खरीदी थी और आज से 3-4 साल पहले खरीदी थी, आज भी इसकी यही वैल्यू है या थोड़ी सी कम हो गई होगी, 5-10 हज़ार रुपये। तकरीबन 80-90 हज़ार किलोमीटर चली हुई थी, बल्कि उससे ज़्यादा ही चली हुई होगी, क्योंकि इसकी गाड़ी के माइलेज का सही कोई आइडिया नहीं लगा सकता, हर साल चलती है। तो मैंने भी तकरीबन 4 साल में 1 लाख किलोमीटर तो चला दी होगी इसको ना। इस पर मैं तकरीबन सब जगह ही चला जाता हूँ हैदराबाद के अलावा। कराची के ट्रैफिक के हिसाब से मैरान वन ऑफ द बेस्ट कार है, क्योंकि गलियाँ छोटी छोटी हो गई हैं, गाड़ियाँ बहुत सारी हो गई हैं, रश बहुत ज़्यादा हो गया है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पुरानी गाड़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही। बेहतरीन बात मैरान की ये है कि आप इसको कहीं पे भी पार्क कर दें, ना इसके कहीं मिरर चोरी होंगे, ना कोई इसके व्हील कैप उतारेगा, ना कोई इसकी कोई और चीज़ तोड़ के लेके जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट तो इस गाड़ी का ये है, और कोई भी गाड़ी लेके आप निकलें तो वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की लग जाती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं गाड़ी में, दिल दुखता है। ये आपको ईजीली पूरा शहर घुमा देगी और ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं देगी कि मैं ख़राब हो रही हूँ। कंफर्ट लेवल पे तो इसमें ना देखें, इसमें आपकी होती है एक बेसिक नेसेसिटी, लग्जरी आइटम था लेकिन अब लग्जरी नहीं है, अब वो नेसेसिटी है। नेसेसिटी के हिसाब से ये आपके सारे काम निकाल देती है, सीटें अच्छी लगवा लें कंफर्ट भी आ जाएगा, जंप शॉक्स ये सब चीज़ें ठीक करा लें कंफर्ट आ जाएगा, थोड़ा इसका इंजन ट्यून रखें, टायर आप नए करवा लें तो कम्फर्ट आ जाएगा, आपको ये कहीं खड़ी नहीं करेगी। प्लस क्या कहते हैं, इसके टायर्स किसी अच्छी कंपनी के एक दफ़ा डाल दें और उसको थ्रू आउट चलाते रहें, 2-2.5 साल 3 साल वो आपके आराम से अच्छे टायर निकाल लेगा। हर 2,000-2,500 किलोमीटर पे मैं इसका ऑयल चेंज करवा लेता हूँ, किसी भी कंपनी का अच्छा ऑयल डाल लें, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जिनका ऑयल आपको मार्केट में अवेलेबल है। ऑयल फ़िल्टर लाजमी चेंज कराएँ, क्योंकि ऑयल फ़िल्टर के अंदर आपके गंदा ऑयल थोड़ा सा होता है, वो दोबारा नए वाले ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है जो काफ़ी नुकसानदेह। और ऑयल हमेशा कहीं रिप्यूट जगह से ही चेंज कराएं, क्योंकि ऑयल में भी थोड़ी 2 नंबरी है, एक फ्यूल पे ज़रा ज़्यादा अच्छी रहती है गाड़ी, ये भी आपको पता है, तो उस वजह से एक ही फ्यूल पे रखी हुई है, तो एक टैंक में ये तकरीबन 150 किलोमीटर चली जाती है, और अगर ट्रैफिक कम हो तो इससे भी ज़्यादा चली जाती है। तो देख लें, अगर 8-9 बार मेरा टैंक फुल हुआ है, ठीक है, 8-9 हज़ार रुपये का मेरा टैंक फ्यूल हो गया, फिर उसके बाद मेरा क्या कहते हैं 2,000 रुपये का ऑयल आ गया, 200-300 रुपये का ऑयल फ़िल्टर आ गया, तो आप इसको तकरीबन महीना 10 से कम ही काउंट करें, इसको आप 2 महीने के 15,000 रुपये या 18,000 रुपये रख लें, एवरेज 9,000 रुपये विद फ्यूल, तो इससे ज़्यादा इकोनॉमिकल तो आपको और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर किसी के 2 बच्चे, एक बीवी और एक वो ख़ुद है, तो मैं तो उसको प्रेफर करूँगा कि वो चले बाइक रखता है तो रखे, लेकिन महंगी वाली नहीं रखे, सस्ती वाली कोई रख ले और उससे अपनी नेसेसिटी पूरी कर ले। और ये जो गाड़ी है ये बहुत ज़रूरी है फॉर योर हेल्थ, फॉर योर सेफ्टी, कहीं दूर जाना है, सर्दियाँ, इन सब चीज़ों के लिए मैं तो प्रेफर करूँगा कि वो बाइक ना ही ले, अफोर्ड कर सकता है तो गाड़ी कर ले। मेंटेनेंस अब दोनों की तकरीबन कोई 5,000 रुपये का फ़र्क होगा। अब अगर आप इंश्योरेंस भी लेंगे ना अपनी ज़िंदगी की, तो उससे तो बेहतर है कि 5,000 रुपये आप इस गाड़ी पे ज़्यादा खर्च कर लें। अगर आप सेकंड हैंड मैरान लेते हैं तो सबसे पहले 2-3 चीज़ों को अच्छी तरह चेक करा लें, एक तो इसका रेडिएटर की गाड़ी हीट ना कर रही हो, नंबर 2 इसका सेल्फ वो भी अच्छा हो, लोड ना ले रहा हो, लोड ले रहा होता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम करेगी, नंबर 3 इसकी बैटरी आप
अच्छी डाल दें एक दफ़ा ही, ड्राई बैटरी, मेंटेनेंस फ्री। नंबर फोर इसका जनरेटर जो इसकी बैटरी को चार्ज करता है, क्योंकि जब आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी डालते हैं तो उसको ज़रा ज़्यादा पावर चाहिए होती है चार्ज होने के लिए। कि अगर आप पार्क व्हील की कार इंस्पेक्शन सर्विस ले लें, जो वो आपको एक डिटेल रिपोर्ट बना के दे देती है कि गाड़ी के अंदर सस्पेंशन का प्रॉब्लम है, ये कहीं टूट के आपको रोड पे खड़ा कर सकता है, आपका रेडिएटर प्रॉब्लम कर रहा है, सेल्फ में कोई प्रॉब्लम है, तो एक डिटेल रिपोर्ट मिल जाती है और उससे आपको ये पता चल जाता है कि इस गाड़ी में अगर मैं इतना ख़र्चा करा लूँ, और उसका आप एस्टिमेटेड किसी भी मैकेनिक से, अच्छे मैकेनिक से ले सकते हैं कि ये कितने तक में ठीक हो जाएगा, और उसके बाद ये आपको प्रॉब्लम भी नहीं करेगी। अगर आपके पास नहीं है पुरानी कोई भी महरान है तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पार्क व्हील्स।